Hey everyone, I am Aditya from Aon IAS Academy और हमने जो initiative start किया that we are decoding the great personalities of India, इन ये series को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की जो हमारी great personality है वो है दयानंद सरस्वती जी। इनके बारे में अगर layman language में कुछ कहा जाए तो ये काफी अच्छे philanthropist रहे हैं, ये काफी अच्छे social worker रहे हैं, ये काफी अच्छे राइटर भी रहे हैं और जो सबसे हाइलाइटेड पॉइंट है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन जो रिवॉर्ड होता है वो होता है कि इन्होंने हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए अपनी पूरी लाइफ जॉब की। सो ये जो बिग पर्सनालिटी है हम इनको डिकोड करेंगे एज यूजुअल हमारे तीन पैरामीटर्स में। कौन से? फर्स्ट वन इज उनकी पर्सनल लाइफ, सेकंड वन इज उनका कंट्रीब्यूशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उनके रिलेटेड जिसको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 12 फरवरी 1824 में। कहां? गुजरात में, एक ब्राह्मण फैमिली में। इनका पहले का नाम क्या था? उनका नाम था मूल शंकर तिवारी। अब मूल शंकर क्यों इनका नाम गिरा? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तब मूल नक्षत्र चल रहा था, ये चलते हुए इनका नाम क्या गिरा है? मूल शंकर तिवारी। जिंदगी आगे बढ़ती रही एंड आगे उनकी सिस्टर एंड अंकल की डेथ हो जाती है, और ये जो सीनेरियो या ये जो इवेंट उनके लाइफ में होता है इससे इनको काफी कंफ्यूजन और दर्द होता है और ये एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं कि जीवन और मृत्यु क्या है, और ये गुत्थी को सुलझाने के लिए वो अपना घर छोड़ देते हैं और पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं 15 सालों तक कि मुझे ये जो मेरे मन में जो ये उथल पुथल चल रहा है इसका असली आंसर क्या है, और फाइनली उनको ये जो क्वेश्चन उनके मन में अराइज हुआ है उनको सेटिस्फाई करने वाला एक इंसान मिल जाता है, मतलब उनके गुरु मिलते हैं, दैट इज विराजनन दंदीश। ये उनके गुरु मिलते हैं और उन्हें कहां मिलते हैं? मथुरा में। और इनकी फिलॉसफी और इनके जो प्रवचन है या इनकी आइडियोलॉजी का बेस बनाकर मूल शंकर तिवारी जी आगे जाके क्या बन रहे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नाउ अब कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो इनके गुरु का ऐसा कहना था कि जो हमारा हिंदुइज्म है वो काफी खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो समय में काफी कस्टम चलते थे, काफी कास्टिज्म रिजिड हो गया था, औरतों पे काफी अत्याचार होते थे, तो हमें हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना चाहिए, ऐसा इनके गुरु का कहना था, और अपनी गुरु की बात को ही ये अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का मेन पिल्लर बनाते हैं। और यहां से हम देखेंगे कि जो हमारे दयानंद सरस्वती जी है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन का गोल क्या बन जाता है? टू प्यूरिफाई हिंदू रिलीजन। क्लियर? अब कॉन्ट्रीब्यूशन का बेस बन गया तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है प्यूरिफाइड द हिंदू रिलीजन। उनका ऐसा कहना है कि जो लोग सिर्फ वेद को मानते हैं या वेद ही एक ऐसी चीज है जो हिंदुइज्म को प्यूरिफाई कर सकती है। अब मैं वेद ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें पता है इंडियन हिंदू स्क्रिप्चर में और क्या क्या आता था? पुराण आते थे, उपनिषद आते थे, अरण्यक आते थे, वेदांता सूत्रा आते थे, तो वो समय में ऐसा हो गया था कि ये सारे चीजें भी वेद की समान ट्रीट करने लग गए। तो उनका ऐसा कहना था कि ओनली वेद ही है जो हिंदुइज्म को प्यूरिफाई कर सकते हैं और ये जो बाकी के चीज है ये नहीं। यही बेस पर उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि आर्यस कौन है और सनातन हिंदू क्या है। तो आर्यस का मतलब, आर्यंस का मतलब क्या है या आर्यस का मतलब क्या है? कि जो लोग सिर्फ वेदास को मानते हैं वो लोग है आर्य, और जो वेद को भी मानते हैं और साथ ही साथ ये जो रेस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर है उनको भी मानते हैं, तो उनको उन्होंने डिफाइन किया एज है ना सनातन हिंदू। So, as I said, हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना है तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो काफी हाइलाइटेड है और कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो क्या है? गो बैक टू वेदास। उन्होंने लोगों को समझाया कि आपको वेद के तरफ ही जाना चाहिए, वेद ही है जो हिंदुइज्म को प्यूरिफाई कर सकता है। ये इनका स्टेट और फॉरवर्ड इनका डिसीजन था, कहना था। पब्लिकेशन की बात किया जाए तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक किताब लिखी है। इसका मतलब क्या है? द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ द ट्रूथ। कब लिखी है? 1875 में, और ये हिंदी भाषा में लिखी है, और ये किताब में इन्होंने काफी सारे पॉइंट को क्रिटिसाइज किया है। कौन सी बात को? पॉलीगैमी के खिलाफ इन्होंने बात की है किताब में, पुराण के खिलाफ, कास्ट जो सिस्टम चल रही है उनके खिलाफ इन्होंने
आवाज उठाई है, उनका ऐसा कहना था कि हमारे वेद में जो कास्ट सिस्टम है वो बर्थ पे ना होके ऑक्यूपेशन पे है, तो इनका ऐसा कहना था कि कास्ट सिस्टम रखिए बट वो ऑक्यूपेशन के बेस पर होना चाहिए ना कि बर्थ के बेस पर। क्लियर। उन्होंने वुमन के लिए काफी अच्छा काम किया है, ये किताब में हाईलाइट किया है कि वुमन की जो स्टेटस है उसको हमें इक्वल करना चाहिए, उन्हें भी अच्छा दर्जा देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आइडल वर्कशिप को क्रिटिसाइज किया है, साथ ही साथ जो एक प्रथा जो हिंदुओं में चलती थी कि अपने पूर्वजों को खाना खिलाए, जो मरे हुए जो अपने लोग हैं उनको खाना खिलाए, दैट इज श्राद्ध सिस्टम, उसके खिलाफ इन्होंने काफी आवाज उठाया, और अनटचेबिलिटी जो काफी प्रिवेलेंट थी उसके खिलाफ भी इन्होंने दबाव कर क्रिटिसाइज किया ये किताब में। क्लियर। तो कौन सी किताब है वो है सत्यार्थ प्रकाश। नाउ उन्होंने एक समाज का फॉर्म किया एंड वो समाज का नाम है आर्य समाज। कब फॉर्म किया? 1875 में। अब ये समाज तो फॉर्म किया तो क्यों फॉर्म किया, क्या एम है इसके? ये समाज ने जो वर्कशिप, जो मूर्ति वर्कशिप होता है, जो मूर्ति पूजन होता है, उसका दबा के क्रिटिसाइज किया। ये समाज ने कास्टिज्म को माना बट उनका ऐसा कहना था कि मेरिट पे या ऑक्यूपेशन पे कास्टिज्म होना चाहिए ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ये उन्होंने कहा। अनटचेबिलिटी के खिलाफ में उन्होंने आवाज उठाई ये समाज ने, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई, पिलग्रिमेजेस, जो पिलग्रिमेजेस जाते हैं लोग जो बड़े बड़े धर्म स्थान बने हैं वहां ना जाते हुए आप सिर्फ सोसाइटी का वाला करिए तो वर्कशिप हो जाएगा, ऐसा इनका कहना था। जो प्रिस्ली कास्ट है इनका जो डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है उनको इन्होंने दबाकर क्रिटिसाइज किया ये आर्य समाज में फॉर्म करने, और जो टेम्पल्स में हम जो ऑफरिंग देते हैं उसके खिलाफ भी इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। क्लियर। उन्होंने सिर्फ रिलीजन को ही नहीं सुधारा, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने की काफी कोशिश की। उन्होंने ऐसा उनका कहना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से, उनका जो करिकुलम है उसको हमें बदलना चाहिए, वेद को लाना चाहिए, जो हमारे जो पुरातन स्क्रिप्चर्स है उसको लाना चाहिए, ओनली वेद्स को लाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने स्कूल भी फॉर्म की, दैट इज दयानंद एंग्लो वैदिक, ये स्कूल की स्थापना की और ये आज भी है और ये काफी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल भी मानी जाती है। इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ? 1886 में। और जो सबसे पहली स्कूल ओपन हुई वो हुई लाहौर में, और वहां के हेडमास्टर कौन बने? महात्मा हंसराज। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ओरिएंटेड है तो इसको याद रखना है। उन्होंने आर्य समाज के बैनर के अंडर उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट भी चलाया। अब शुद्धि मूवमेंट का क्या मतलब है? जो लोग हिंदू थे पहले वो कुछ कास्टिज्म या परेशानी के चलते हुए जो कन्वर्ट हुए इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया कि हम कुछ मूवमेंट करेंगे या हम कुछ ऐसे पूजा पाठ कराएंगे जिससे आप बैक आ सकते हैं, मतलब इन्होंने कन्वर्जन का काम किया है। क्लियर। तो ये सोल पर्पस था शुद्धि मूवमेंट का, और इतना सारा कंट्रीब्यूशन करने के बाद हम ये जो पर्सनालिटी इनको कब खो देते हैं? इनका डेथ होता है ऑन 30 अक्टूबर 1883। हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती? ऑप्शन आर, फर्स्ट वन इज मुलुकदास, सेकेंड वन इज मूल शंकर, थर्ड वन इज नरेंद्र एंड लास्ट वन इज दादू। एज हमने पढ़ा है तो राइट आंसर इज मूल शंकर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन जो 2010 में यूपीएससी में पूछा गया, हु रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश? ऑप्शंस आर दयानंद सरस्वती, सेकेंड इज राजाराम मोहन राय, थर्ड वन इज महादेव गोविंद रानाडे एंड लास्ट वन इज रामकृष्ण भंडारकर। एज वी लर्न तो ऑप्शन जो राइट आंसर है वो कौन है? दयानंद सरस्वती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी होमवर्क फॉर यू, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द आर्य समाज? हमें बताना है जो स्टेटमेंट जो दिए वो आर्य समाज में कौन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शुद्धि मूवमेंट? और ये क्वेश्चन हमें कब पूछा गया है? यूपीएससी 2013। ऑप्शंस आर ब्रिंग पीपल बैक टू द हिंदुइज्म, ये ऑप्शन वन। सेकेंड वन इज एनी एजी एग्जिस्ट फ्रॉम द हिंदुइज्म, अगर किसी को एग्जिस्ट करना है तो वो कर सकते हैं इसलिए ये मूवमेंट लाई गई है, ऐसा कहना है। थर्ड स्टेटमेंट इज एनकरेज पीपल टू क्विट फॉलोइंग हिंदुइज्म एंड लास्ट वन इज ब्रिंग बैक गुरुकुल विद्यालय। सो एज वी स्टडीड तो राइट आंसर इज ये ऐसा था कि जो लोग कन्वर्ट हुए फोर्सफुली उनको हिंदुइज्म में वापस लाना है, तो राइट आंसर इज ब्रिंग पीपल बैक टू हिंदुइज्म। आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।